किसी भी वैक्सीन का किसी भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऑल वैक्सीन आर गुड, आप भी जाओ वैक्सीनेटेड हो जाओ। वेलकम बैक टू द चैनल। अभी रात के बज रहे हैं एक, आज है तारीख 18 हो चुका है। मैंने 17 को अपना स्लॉट बुक किया था, जो कि आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, वैक्सीन का। सो इसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं था स्पुटनिक के ऊपर स्पेशली, तो सोचा मैं कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देता और आप लोगों को भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा सोने, क्योंकि कल मेरा 12 से 3 के बीच का स्लॉट है। तो सुबह थोड़ा सा उठ के नाश्ता वगैरह करूंगा एंड देन मैं निकल जाऊंगा, एंड उसका सब कुछ प्रोसीजर वगैरह मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। तो अभी पहले जाता हूँ सोता हूँ एंड देन आपको कल मिलता हूँ। बाय गाइस, और आई शुड से गुड आफ्टरनून। और अभी मैं एक आधे घंटे पहले उठा, अभी जाने वाला हूँ मैं नहाने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा लूंगा एंड देन निकल जाऊंगा। मेरा प्लान था एक्टिवा से जाने का एंड वहां पर मैं गाड़ी पार्क करने वाला था, बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। 2-3 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं, बट अभी अचानक से इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि हद पार हो गई है। एंड इसीलिए मेरे डैड मुझे वहां पर ड्रॉप करने वाले हैं कार से, और मैं उनको वेट नहीं कराऊंगा, उनको बोलूंगा आप जाओ, क्योंकि पता नहीं मुझे कितना टाइम लग सकता है, नहीं लग सकता है, तो आधे टाइम में टैक्सी से आ जाऊंगा। मुझे जाना है महालक्ष्मी, एंड जो भी वैक्सीन से रिलेटेड बात है मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा आगे चल के, तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखो और पूरा लास्ट तक देखो। आपको मैं प्राइस और सब कुछ वगैरह जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अभी आई विल जस्ट क्विकली हैव अ बाथ एंड ईट माय ब्रेकफास्ट एंड देन सी यू गाइस। नहा धो के एकदम सेट, टाइम हो रहा है 1:10, बाहर हो रही है बारिश, मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड देन उसके बाद कार में बैठ के हम निकल जाएंगे। मैं किसी भी वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ कि मुझे कोविशील्ड क्यों नहीं लिया मैंने, कोवैक्सीन क्यों नहीं लिया, सब वैक्सीन सेम है, बट मैं सोचा था कि लाइफ में एक बार लेना है तो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई करते हैं। और बिल्कुल भी मैं किसी भी वैक्सीन का किसी भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, ऑल वैक्सीन आर गुड, आप भी जाओ वैक्सीनेटेड हो जाओ और कोरोना को मार दो। धनाधन बारिश हो रही है, ये रहा मेरे सामने हॉस्पिटल। थोड़ा सा वहाँ पे लाइन था 10-15 लोग का, बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं, अभी दिन साफ है। लेट्स सी विद माय ऑब्जर्वेशन आल्सो, और काफी अच्छा हैसल फ्री एक्सपीरियंस था। आई एम आउट एंड अंदर बहुत ज्यादा शांति थी, इसलिए मैं ब्लॉग ही नहीं कर पाया बिल्कुल भी, एंड मेरे साथ कोई था भी नहीं, तो इसलिए मैंने एक स्ट्रेंजर को मैंने बोला कि भाई मेरा प्लीज वीडियो ले लो, आगे का जो भी है मैं घर जाके बताता हूँ, क्योंकि आई एम लाइक लिटरली थक तो नहीं गया हूँ, काफी जल्दी काम हो गया, एक घंटा लगा होगा शायद, एक घंटा तो बनता है। सो घर पे अभी मैं जस्ट आ चुका हूँ एंड अभी टाइम हो रहा है 4:30। मेरा एक्सपीरियंस काफी मस्त था, स्मूथ था, इतना ज्यादा एकदम हैसल फ्री था, बट मैं थोड़ी थोड़ी आपको चीज बताता हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ। 25 मिनट्स में पहुंच गए थे, उसके बाद मैं अंदर गया एंड रजिस्ट्रेशन, वहां पे लोग एक फॉर्म देते हैं, वो आपको फिल करना पड़ता है, उस हॉस्पिटल का फॉर्म होता है, वो वैक्सीन से रिलेटेड कुछ नहीं है, वो सिर्फ हॉस्पिटल का फॉर्म है कि आप सर्विस ले रहे हो उस हॉस्पिटल से, उसका ही सिर्फ एक फॉर्म है। एंड वो फॉर्म भरने के बाद आपको वैक्सीनेशन का लाइन लगाना पड़ता है, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, पेमेंट करने के बाद 1000 रुपीज जो है वो पेमेंट है, 1000 रुपया एक डोज का, दूसरे डोज का आपको फिर से 1000 रुपया देना पड़ेगा SRCC हॉस्पिटल का, जो मैं गया था आज महालक्ष्मी में। अगर मैं किसी और हॉस्पिटल में जाता हूँ तो उसका रेट्स कुछ और हो सकता है, आई डोंट नो, जिस हिसाब से वो लोग वैक्सीन लेते हैं उस हिसाब से वो लोग उसका प्राइस रखते हैं, तो प्राइस कैन फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। के बाद मैं लाइन लगाता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ, देन अंदर जाता हूँ, वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है एंड उसके सामने हम लोग बैठते हैं। हम लोग को जो फॉर्म दिए थे हैं उसमें हम लोग को लिखना होता है हमारा सीक्रेट कोड, जो कि आपको वैक्सीनेशन जब आप स्केड्यूल करते हो अपना वैक्सीन तब आपको मिलता है सीक्रेट कोड, वहां पे आपको सीक्रेट कोड लिखना है, आपका फोन नंबर लिखना है और बर्थ ईयर लिखना है।
उसके बाद आपको एक टोकन मिलेगा, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट्स आपको वेट करना है, ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट शायद वेट 5 या 4 मिनट्स मैंने वेट किया एंड सीधे ही मैं अंदर गया, फाइनल रजिस्ट्रेशन किया एंड उसके बाद सिंपली मेरा हो गया, मेरे को लग गया। उसके बाद बताया कि हाफ एन आवर मुझे वेट करना है, जो कि मुझे पता था करना है। वहां पे मैं बैठा और कुछ वीडियोस देखे, टाइम पास किया एंड उसके बाद सीधा बाहर निकल गया। और 21 डेज बाद फिर से मैं जाऊंगा और लगवाऊंगा। बट अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, यानी कि मुझे कुछ बुखार उखार आता है, तो मैं इसी वीडियो में अपडेट दे दूंगा। अगर ये वीडियो के आगे और कुछ नहीं है, इसका मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल राइट और सब कुछ सही था। एंड स्पुटनिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो बस इतना ही रखते हैं, आपको मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और क्या, वैक्सीनेशन लो, वैक्सीनेशन नहीं और क्या, वैक्सीन लो और कोरोना को भगाओ, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड आपको दिखाया नहीं ना मैंने वैक्सीन का, देख लो कहां पर आपको दिख रहा होगा, मेरे दोनों हाथ तो बिजी है।